Rockstar.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। नुकसान तो करेंगे, अरे लड़ाई भाजपा से ही है। नमस्कार, मेरे साथ है वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी अभी सरगर्मी बढ़ गई है, एनडीए से थोड़ा टकराव है, लेकिन सीटों का अभी भी इन्होंने घोषणा नहीं किया है। फिर से नमस्कार आपको प्रभात खबर में। ये बताइए कि आप कब तक अपने सीटों का प्रत्याशियों की घोषणा? आज पहला चरण और दूसरा चरण का मैक्सिमम सीट का आज हम घोषणा कर देंगे और उसके बाद चरण बाय चरण चुनाव का तैयारी हो चुका है और चरण बाय चरण हम लोग घोषणा करते रहेंगे और 165 सीट से भी अधिक सीट हम चुनाव लड़ेंगे और उसकी सारी तैयारी हो चुका है। सारे कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है और भी समय आने पे भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी बड़े बड़े पार्टी अभी तक पूरे कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं किया, तो उसी के बाद सब सारे समीकरण बनाना होता है कि जाति को कहाँ पर दिया है, तो उसको देखते हुए हमें कैंडिडेट लॉन्च करना है। हम लोग चाहेंगे कि हमारा पार्टी तो निषाद समाज को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हम चाहेंगे कि निषाद समाज मजबूती से आगे बढ़े, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और उसमें अगर कोई कहीं पे मान लीजिए कि सपा से अगर निषाद समाज से कोई आता है तो हम ऐसे जगह पे कैंडिडेट नहीं उतारेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि वो सपा का कैंडिडेट जीत ले क्योंकि बिकॉज वो निषाद समाज है। भाजपा अगर कहीं से निषाद समाज के प्रत्याशी को खड़ा करेगी या कांग्रेस करेगी तो वहाँ पर भी आप अपना प्रत्याशी नहीं देंगे? वहाँ पर भी अगर अच्छे कैंडिडेट होंगे और समाज सामाजिक होंगे तो वहाँ पे कैंडिडेट नहीं देंगे। अगर वो सामाजिक नहीं होंगे, किसी पार्टी का विचारधारा से चलने वाला व्यक्ति होंगे तो वहाँ पे हमारी पार्टी निर्णय लेगा कि वहाँ चुनाव लड़ेगा। हाँ, सामाजिक होगा, समाज के दुख सुख में खड़ा रहने वाला होगा, समाज के एजेंडा को साथ लेके चलने वाला होगा, लड़ाई लड़ने वाला होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो झारखंड हो, यहाँ पे एक बड़ा लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाना और कमोबेश हर नेता इस लड़ाई को लड़ते रहा, लेकिन कुछ नेता को हम देखते आ रहे हैं यूपी हो या बिहार हो वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो पार्टी विशेष हो जाता है। तो ऐसे पार्टी जहाँ पे पार्टी विशेष हो जाएगा निषाद का बेटा, तो मैं मानता हूँ कि वो निषाद का बेटा नहीं रहा, वो पार्टी का रहा। तो ऐसे लोगों को जगह पे अगर हमें कैंडिडेट देना पड़े तो मुझे तकलीफ नहीं होगा। हाँ, जो समाज के लड़ाई लड़ने वाला बेटा होगा वो भारतीय जनता पार्टी से भी अगर कैंडिडेट होगा या कांग्रेस होगा या सपा होगा या बसपा होगा, चार प्रमुख पार्टी है, वहाँ सामाजिक लोग होगा तो वहाँ पर कैंडिडेट नहीं देंगे। हाँ, जब अगर वो सामाजिक नहीं होगा, पार्टी के स्तर से भले लोग होगा तो वहाँ पे पार्टी के लोग निर्णय लेंगे, अगर कैंडिडेट वहाँ उतारना चाहेंगे तो उतार सकते हैं। आपके तेवर को देखकर हाँ, ऐसा भाजपा को कहीं लगा होगा कि आपके खड़े हो जाने से उसका नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो करेंगे तो, और हम खुल के कहते हैं कि भाजपा के नुकसान करेंगे तो, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा से ही है क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और आरक्षण उन्हीं को करना है, तो हमारी लड़ाई उनसे है, उन्हीं को आरक्षण करना है। वो आरक्षण करेंगे तो मोदी जी जय होगा, नहीं आरक्षण करेंगे तो हम लड़ेंगे और मुझे लगता है कि वहाँ पे उनको हारना पड़ेगा। और समाज है, समाज के जो रोड पे आएंगे समाज का निर्णय होगा मुर्दाबाद, तो मुर्दाबाद के साथ भी हम खड़ा है। आप समर्थन करेंगे वहाँ उत्तर प्रदेश में जदयू को? हाँ, जरूर जदयू को समर्थन, अगर हमसे मांगेंगे तो जरूर करेंगे। कुछ सीट पे, जो सीट पे हम नहीं लड़ रहे हैं जी, हम तो 165 सीट पे लड़ रहे हैं, जो सीट पे नहीं लड़ रहे हैं ऐसे सीट पर अगर हमसे समर्थन मांगेंगे तो दे देंगे, समर्थन देंगे। अखिलेश जी मांगेंगे तो उनको भी दे देंगे। भाजपा के खिलाफ जो कोई भी आपसे मदद मांगने आएगा उत्तर प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे पर, आपको समर्थन का, आप सबको मदद दे, भाजपा को भी दे देगा आरक्षण लागू कर दे तो उनको दे ही नहीं रहा है तो नहीं देगा, तो नहीं देगा तो नहीं करेंगे। वो आरक्षण कल लागू कर दे, कल घोषणा प्रधानमंत्री जी कर दे कि हम आरक्षण देंगे तो भाजपा को मदद कर देंगे। हम तो भाई हमारे समाज के लिए जो खड़ा होगा लड़ाई लड़ेगा, जो साथ देगा उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। तो भाजपा अगर ये घोषणा करती है तो आप उसका समर्थन करते हैं, ठीक है, अगर वो घोषणा नहीं करती है तो जो भी आपको लगता है कि जो भी नहीं लगता वहाँ पे हम अकेले लड़ रहे हैं, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, तो आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से अगर हम का नहीं करते उसको समर्थन तो हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। रहा कि किसी को अगर निषाद समाज का भविष्य को और हमारी लड़ाई को अपना लड़ाई बता के अगर हमारे साथ आना है, हमसे समर्थन मांगना है तो हम उस पर विचार करेंगे और देने के लिए हम तैयार हैं। मुकेश सहनी आर पार की लड़ाई के मूड में है, निषाद आरक्षण के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं,
सरकार रहे या जाए, इस बार एकदम आर पार की लड़ाई में है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर इन्होंने मोर्चा खोल दिया है भाजपा को लेकर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।